दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि ट्रेन के एक कोच में हमें एक अपर बर्थ देखने को मिलता है और एक लोअर बर्थ देखने को मिलता है, यानी कि एक ऊपर वाली सीट देखने को मिलती है और एक नीचे वाली सीट देखने को मिलती है। लेकिन दोस्तों, अब मैं आपको बता दूं कि अगर आप ट्रेन में ट्रेवल करते समय नीचे की सीट यानी कि लोअर बर्थ को बुक कराते हो तो आपके लिए यह जानना काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इंडियन रेलवे के रूल के अकॉर्डिंग जो ट्रेन के कोच में लोअर बर्थ होते हैं यानी कि जो नीचे वाली सीटें होती हैं उनको बुक करने की जो प्रायोरिटी है वो इंडियन रेलवे के द्वारा ऐसे लोगों को दी जाने वाली है जो इंडियन रेलवे के इस रूल के अंडर फिट होते हैं। अब दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि ट्रेनों में हर उम्र के लोग ट्रैवल करते हैं, चाहे वो बच्चे हों, जवान हो या फिर बूढ़े हों। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि ट्रेन के कोच में आपको एक अपर बर्थ देखने को मिलता है और एक लोअर बर्थ देखने को मिलता है, तो मैं आपको बता दूं कि इंडियन रेलवे के द्वारा ट्रेन में ट्रैवल करने वाले सभी सीनियर सिटीजंस को इंडियन रेलवे के द्वारा काफी ज्यादा सुविधाएं प्रोवाइड की जाती है, और इसी कारण इंडियन रेलवे के द्वारा सीनियर सिटीजन की जर्नी को कंफर्टेबल बनाने के लिए कई नियम भी बनाए गए हैं। और ऐसे ही एक नियम के बारे में इंडियन रेलवे के द्वारा ट्वीट करके बताया गया। तो बेसिकली दोस्तों, इंडियन रेलवे के द्वारा बताया गया कि जो सीनियर सिटीजन ट्रेन में ट्रेवल करते हैं वो अब ट्रेन में लोअर बर्थ यानी कि नीचे की सीट को बुक कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर इंडियन रेलवे के द्वारा बताया गया कि अगर आप जनरल कोटे के अकॉर्डिंग अपनी टिकट को बुक करते हो तो उस केस में आपकी सीट तभी बुक हो पाएगी जब सीट अवेलेबल होगी, यानी कि अगर ट्रेन में लोअर बर्थ यानी कि नीचे की सीट अगर खाली होगी तो तभी आपको नीचे की सीट मिल पाएगी। लेकिन अगर आप अपने टिकट रिजर्वेशन चॉइस बुक ओनली इफ लोअर बर्थ इज अलॉटेड के अकॉर्डिंग बुक करते हो तो आपको नीचे की जो सीट है यानी कि जो लोअर बर्थ है वो मिल सकती है। तो कुल मिलाकर दोस्तों, यहाँ पर इंडियन रेलवे का कहना है कि ट्रेन में आपकी टिकट कोटे के अकॉर्डिंग तभी बुक हो पाती है जब ट्रेन में सीट खाली होती है, क्योंकि जनरल कोटे के दौरान फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का जो फॉर्मूला होता है वो वर्क करता है, यानी कि जो पैसेंजर सबसे पहले सीट बुक करता है उसको नीचे की सीट मिल जाती है और जो पैसेंजर बाद में सीट बुक करता है उसको अपर बर्थ यानी कि ऊपर की सीट अलॉट की जाती है। लेकिन दोस्तों, अगर आपके साथ कोई सीनियर सिटीजन है तो उस केस में आप टीटी को बोलकर नीचे की सीट ले सकते हो। और इसी के साथ दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगर किसी महिला की उम्र 45 साल या उससे ज्यादा है तो इस केस में महिला को लोअर बर्थ यानी कि नीचे वाली सीट ही अलॉट की जाती है। तो वेल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।